नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी। मैं कुलदीप कुमार। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र में दलित युवक जगदीश मेघवाल से बेरहमी से मारपीट कर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने 4 नामजद आरोपियों मुकेश, सिकंदर, दिलीप और हंसराज को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। पुलिस ने अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी है और जगह जगह दबिश दी जा रही है। मृतक जगदीश के परिवार को अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार नियम के तहत 4,12,500 रुपए की आर्थिक सहायता कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। आखिर ये पूरी खबर क्या है वो आपको बता देते हैं। दरअसल मृतक जगदीश पुत्र बनवारी लाल मेघवाल व आरोपी मुकेश वगैरह गांव प्रेमपुरा में एक दूसरे के पड़ोसी हैं। मुकेश की पत्नी सुमन का मृतक जगदीश के साथ पिछले 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। इस प्रेम प्रसंग को लेकर गांव में कई बार पंचायत भी बैठी। मुकेश और सुमन के बीच मनमुटाव होने के बाद सुमन अपने मायके चली गई और मुकेश के खिलाफ थाना सदर सूरतगढ़ में मुकदमा दर्ज करवा दिया। उन्होंने आगे कहा कि दोनों परिवारों के बीच पंचायत में आपसी राजीनामा होने से दोनों अलग अलग हो गए थे। इधर मृतक जगदीश की पत्नी मंजू ने भी मनमुटाव के चलते जगदीश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। पुलिस ने बताया कि अलग होने के बाद सुमन सूरतगढ़ में ही अपने बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रही थी। वहां जगदीश सुमन से मिलने जाता था। इसकी खबर जब मुकेश को लगी तो वह परिवार वालों के साथ 7 अक्टूबर को सूरतगढ़ में सुमन के किराए के मकान में पहुंचा। उस वक्त जगदीश वहां मौजूद था। सभी आरोपी जगदीश को वहां से अगवा करके सूरतगढ़ स्थित फार्म हाउस लेकर गए, जिसके बाद आरोपियों ने वहां पर जगदीश की बुरी तरह से पिटाई की। पिटाई करने के बाद आरोपी जगदीश को बाइक पर बैठाकर प्रेमपुरा में उसके घर के आगे पटक कर चले गए। जब तक जगदीश के परिजनों ने जगदीश को संभाला तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC न्यूज़।